Learn Computer with Artis Academy. With Artis Academy. प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोग ने देखा कि यूजर से कैसे इनपुट लेने का काम करते हैं, इसके बारे में हम लोग ने देखा। अब हम लोग देखते हैं एक्सेस द वैल्यू फ्रॉम अनदर पैकेज, यानी एक पैकेज से अनदर पैकेज में हम लोग डेटा को कैसे एक्सेस करने का काम करेंगे, इसको हम लोग देखने का काम करेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं इस एग्जाम्पल में कि एक पैकेज से अनदर पैकेज में हम लोग वैल्यू को कैसे लेने का काम करते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। तो देखो बच्चों, एक पैकेज में यूजर से इनपुट लेने का काम करेंगे, दूसरा पैकेज में हम लोग कैलकुलेट करने का या जो भी ऑपरेशंस है उसको करने का काम करेंगे, और मेन क्लास में हम लोग रिजल्ट को डिस्प्ले करने का काम करेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं, एक यहाँ पर एग्जांपल हम लोग देखेंगे, प्राइम नंबर है कि नहीं है, कोई नंबर एक हम लोग लेने वाले हैं और वो नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है इसको हम लोग चेक करेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं, बड़ा खूबसूरती से इसको हम लोग देखेंगे कैसे काम करेगा, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, पैकेज STU1। तो सबसे पहले अब यहाँ पर DD1.java। अब यहां पर हम लोग लिखो इनपुट java.util। अब यहां पर लिखो पब्लिक क्लास DD1, ठीक है। अब यहां पर int हम लोग ने num लिया। अब ये num को हम लोग अनदर जगह पर एक्सेस करेंगे, इसीलिए हम लोग यहां पर पब्लिक ले लिया। अब यहां पर लिखो पब्लिक void गेट, एक नाम रख लिया बच्चों हम लोग ने गेट फंक्शंस का। स्कैनर इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर और system.out.println एंटर एनी नंबर। तो नम इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट ले लिया हम लोग ने यूजर से। अब चलो हम लोग यहां पर लिखते हैं पैकेज STU2। अब ये हम लोग सेव करेंगे कहां पर, STU2 फोल्डर के अंदर। अब इसका नाम रख लेते हैं बच्चों हम लोग DD2.java। तो इनपुट STU1.DD1 क्या कर ले, अब ये पैरेलली यानी हम लोग STU1 पैकेज से DD1 क्लास को इंपोर्ट कर लिए। अब यहां पर पब्लिक क्लास DD2, अब वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं बच्चों int n हम लोग C=0 लूप चलाने के लिए i ले लिया। अब हम लोग यहां पर लिखते हैं पब्लिक void गेट डेटा ले लिया हम लोग ने। अब यहां पर हम लोग DD1 ob इक्वल टू न्यू DD1 क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बना लिए। ob1.get फंक्शंस को कॉल कर लिया, क्योंकि इस फंक्शंस यहां पर हम लोग का गेट नाम से बनाए हैं। और n इक्वल टू ob.num यानी अब ये वेरिएबल को भी हम लोग यहां पर एक्सेस कर लिए, क्योंकि जो ग्लोबल वेरिएबल जो कि पब्लिक है अब इसको भी हम लोग यहां पर एक्सेस करने का काम कर लिए। अब लिखो फॉर i=1 i> n और i++। अब हम लोग प्राइम नंबर चेक कर रहे हैं, तो इफ n मोड i== अगर बच्चों 0 है तो C++। अब चलो हम लोग यहां पर देखते हैं इफ अगर C=2 है system.out.println गिवेन नंबर इज प्राइम और else system.out.println गिवेन नंबर इज नॉट अ प्राइम हमने ले लिया। तो ये हम लोग देखो यूजर से इनपुट हम लोग यहां पर कर रहे हैं,
कैलकुलेशन हम लोग इस पैकेज में कर रहे हैं और इसको हम लोग मेन क्लास में कॉल करने का काम करेंगे। तो इंपोर्ट, चलो अब इसको हम लोग मेन में सेव करते हैं, abc68.java इंपोर्ट stu2 डॉट हम लोग dd2 हम लोग ने ले लिया। अब क्लास abc68, अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args ले लिया। अब चलो हम लोग कौन से क्लास का बनाएंगे, dd2ob=new dd2। अब ये ob.getData, तो अब यहां पर गेट डेटा, तो इसको हम लोग यहां पर कॉल कर लिए बच्चों। तो देखो अब ये प्रोग्राम यूजर से इनपुट यहां पर, कैलकुलेशन कंप्लीट यहां पर, फंक्शंस कॉल यहां पर हम लोग कर रहे हैं। तो ये हम लोग अगर मान लो अगर कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो वहां पर भी हम लोग ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं। कि यहाँ पर हम लोग काम कहीं और कर रहे हैं, ठीक है, यूजर से। अब ये देखो हम लोग ने इंटर एनी नंबर 7 लिया और गिवन नंबर इज प्राइम, हम लोग ने 10 लिया और गिवन नंबर इज नॉट प्राइम। तो ये देखा बच्चों कि कैसे बड़ा आसानी से हम लोग ने यहाँ पर काम किया और देखा और समझा। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना। Learn computer with Artis Academy.